पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शाम को भक्तजनों के द्वारा सुंदर भजनों का गायन किया गया और महिला संकीर्तन का आयोजन हुआ। महिलाओं ने सुंदर भजनों का गायन कर माता रानी को मनाया। भक्तों ने घरों पर माता रानी की विशेष पूजा अर्चना के साथ उपवास रखा। सुबह से ही मुरादाबाद शहर में और देहात में मंदिरों पर माता की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं शाम को मंदिरों और घरों पर मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। मंदिरों पर मां दुर्गा की विशेष आरती की गई। शुक्रवार को माता दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर विश्व शांति और खुशहाली की कामना की गई। भक्तों ने उपवास रखकर घर परिवार की समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिरों और घरों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन किए गए। शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर घर परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना कर आशीर्वाद मांगा। हमने मंदिर में 20-25 साल से प्रोग्राम होता रहा है और हम महिलाएं सब मिलकर माता का गुणगान करते हैं। 4 से 6 सुबह हवन होता है और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। बहुत पुराना मंदिर है, सबकी मनोकामना पूरी होती है और श्रद्धाओं से कहते हैं सब आएँ, माता का प्यार पाएँ। क्या क्या आप कार्यक्रम करते हैं जी? क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? सुबह हवन होता है 9 बजे से 10 बजे तक। फिर शाम को महिला संगीत होता है, माता की भेंटें होती हैं, हम सब महिलाएँ भाग लेते हैं उसमें मिलके। कब से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मुझे हो गए 20 साल करीब लगातार जी। क्या विशेषता है इसमें? ये कि सब लोग आए, माँ बहुत सच्ची हैं, पुरानी माँ है, मनोकामना सबकी पूरी करती हैं। मैं भक्तों से यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग आए, माँ के दर्शन पाएँ, माँ के गुणगान करें। बाकी हमारी बेटी बताएंगी। बस यही कहना चाहूँगी कि सबसे सिद्ध माँ है मनोकामना माँ, जो मांगो हर इच्छा पूरी करती है। हर 6 महीने में हर किसी को नई 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 सौगात देती है। हर 6 महीने में आती है और नई खुशियाँ देके जाती है। आप कब से शामिल हो रहे हैं? 5-6 साल हो गए हैं मुझे भी आते आते। जब माँ ने काम बनाने शुरू किए तो हमने भी आना शुरू किया। और भी श्रद्धालु हैं भक्तों? हाँ, सभी से मैं बोलना चाहूँगी कि नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी थोड़ा बहुत समय निकालकर मनोकामना दरबार में आए। 4 बजे से 6 बजे तक माँ का महिला संकीर्तन होता है, उसमें सभी आकर आशीर्वाद पाएं। जय माता दी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।